गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, आज हम लोग कुछ ऐसे गणित के प्रश्न देखने वाले हैं जो अधिकतर प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न हैं। जैसे एक नंबर में प्रश्न है, सलीम की आयु 10 वर्ष है, उसके दादाजी की आयु 62 वर्ष है, कितने वर्ष के बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुनी होगी? तो बच्चों, इन प्रश्नों का उत्तर हमें कम से कम समय में देना आवश्यक है, क्योंकि ये प्रतियोगिता परीक्षा है और हमें अधिक से अधिक प्रश्नों का जो है उत्तर देना होता है। तो हम लोग देखिए कि इसे हम लोग किस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए कि ऑप्शन में दिया गया है 6, यानी कि अगर सलीम की आयु 10 वर्ष है और 6 वर्ष के बाद उसका आयु कितना हो जाएगा 16, और उसके दादाजी का आयु हो जाएगा कितना 68। तो क्या यहाँ पर दिया गया है कि कितने वर्ष बाद दादाजी की आयु सलीम की आयु से 5 गुनी, तो क्या 5 गुनी हो रहा है? तो 16 का पहाड़ा आप जानते हैं, 16 का 16, 16 दिन 32, 16 के 48, 16 के 64, 16 बचे 80, तो ये जो है 5 गुनी बहुत ज्यादा हो जा रहा है 68 से। तो अब जो है हम लोग, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है। आगे 4 है ऑप्शन में, तो 10 और 4 हो गया 14, और उधर हो गया आपको 62 और 4 66। तो हम लोग देखें कि ये जो है 5 गुना है कि नहीं, तो 14 का 14, 14 28, 14 42, 14 25 70, तो वो भी जो है आपको उससे ज्यादा हो रहा है 66 से, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है। आगे है सी नंबर में 5, तो 10 और 5 हो गया 15, और उधर हो गया आपको 62 और 5 67, तो 15 का पहाड़ 5 बार पढ़ने से क्या हमें 67 मिलेगा? तो 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, तो वो भी जो है उससे बड़ा हो जा रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है। आगे है 3, तो अब देखिए कि यही ऑप्शन है तो हम लोग इसको टिक कर सकते हैं, परंतु इसकी जांच कर लेते हैं। तो 10 और 3 कितना हो गया 13, तो और उसमें 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 65। तो अब हम देखें कि 13 का पहाड़ा में 5 गुना करने से वो 65 होता है, 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बच्चों, इस प्रकार से दूसरा प्रश्न है, 15 आदमी 9 दिनों में 540 रुपए कमाते हैं, तो कितने दिनों में 18 आदमी 360 रुपए कमाएंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से हम लोग इसका हल करेंगे, 15 गुना 9 बटा यहां 540 लिख देंगे, ठीक है, बराबर, और इधर कितना है 18 गुना एक्स, मान लेते हैं कि एक्स दिनों में, तो एक्स हमें निकालना है, बटा 360, ठीक है। अब जो है हम लोग इसको काट कूट करेंगे, देखिए जीरो जो है इसके साथ कट गया और ये कट गया 18 दूनी 36, और देखिए ये जो है इसके साथ कट गया, ये आपको 27 दूनी 54 हो गया, और अब ये 9 तीन 27 हो गया, और 3 पचे 15 हो गया। तो देखिए यहां पर क्या क्या बचा है, x बराबर 5, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही है। तो बच्चों, हम लोग और प्रश्न देखते हैं और उसका हल समझते हैं। बच्चों, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखें कि क्या दिया गया है, एक आयताकार मैदान 90 मीटर गुणे 70 मीटर का है, एक आदमी इसकी 5 बार परिक्रमा करता है, उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी? ऑप्शन दिया गया है, ए 1200 मीटर, बी 1400 मीटर, सी 1600 मीटर और डी 2000 मीटर। तो देखिए कि यहां पर हम लोग इस प्रकार से यह जो है आयत है, और इसमें जो लंबी भुजा है वो 90 मीटर है, और ये जो चौड़ी भुजा है वो है 70 मीटर। तो इसमें जो हमको क्या जानना जरूरी है, जो है इसका परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप देखिए इसका आयत का परिमाप होता है, परिमाप होता है, इसका सूत्र आपको याद रहना चाहिए, दो लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। तो यहां पर जो है इसको आप देखिए, दो लंबाई कितना है 90 और जोड़ 70, तो कितना हो गया 90 और 70 हो गया 160 और 2 320, और 5 बार परिक्रमा करता है, तो 320 को आप 5 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1600 मीटर। तो इसमें कौन सा आंसर हो गया, 1600 मीटर, ये सही आंसर है, ठीक है। आप इस हल इसके इसको देखिए प्रश्न को, यदि a बराबर 16 तथा b बराबर 5 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान बराबर है, किसके बराबर है? ऑप्शन दिया गया है, 1/19 के, 1/11 के, 121/3971 के, या 17/191 के। तो इसका हल हम लोग देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी
और नीचे है ए क्यूब प्लस सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इस पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इसके ये होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ये फॉर्मूला है इसका। तो हम लोग ए देखिए ये जो है इसके बराबर है तो इसको हम लोग काट देंगे, तो क्या क्या बचा हमें, ऊपर में एक बचा और नीचे बचा ए माइनस बी, तो अब जो है ए का वैल्यू हम यहाँ पर 16 है और बी का वैल्यू 5 है, इसको रख देते हैं ए का वैल्यू 16 और बी का वैल्यू 5 यानी कि 1/11, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी नंबर ऑप्शन सही हुआ। तो बच्चों आपने आज का वीडियो देखा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। तो बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।